भाई का भी एक ही बोलना है कि मतलब अपना कमाओ और खाओ, मेहनत करो। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद या राजनीति और संन्यास की दुनिया की तरफ जब वो रुख कर गए, आप लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, आप वैसे ही जिंदगी जी रहे हैं जैसे आप हमेशा से जीते रहे हैं, और इसे लेकर बड़ी उत्सुकता रहती है लोगों के भीतर, क्योंकि जो लोग यहाँ से गुजरते हैं जिन्हें पता होता है कि शशि जी जो है योगी जी की बड़ी दीदी हैं, तो उन वो आते हैं ज़रूर, और वो फिर अलग चश्मे से आपको देखने की कोशिश करते हैं कि अच्छा भाई तो मुख्यमंत्री हैं, अच्छा आप यहाँ दुकान चलाती हैं, तो ये जो लोगों का रिएक्शन होता है किस वजह से होता है, आपको क्यों लगता है ऐसा, वो क्यों रिएक्ट करते हैं? मतलब उनको ये होता है कि जैसे दूसरे पार्टी में हर नेता की भाई बहन परिवार के दूर दूर के रिश्तेदार भी एक ही उसमें आ जाते हैं, एक ही नेता, मतलब हर आदमी चाहता है कि मैं भी नेता बनूँ, तो ये हमारे उसमें नहीं है ये, तो मतलब वो तो फिर पूरा ये ऐसा हो गया कि जैसे कि परिवारवाद हो गया, तो ना तो हम चाहते हैं कि हम ऐसे जाए, और भाई का भी एक ही बोलना है कि मतलब अपना कमाओ और खाओ, मेहनत करो बस। गढ़वाली बोलते हैं अभी भी? कौन, महाराज? हाँ, कभी कभी बोल लेते हैं, कभी कभी, लेकिन वैसे ही बोलते हैं जैसे आप बोल रही हैं, जितनी मीठी भाषा आपकी है। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा। इतना हंस रही हैं आप बिल्कुल, मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि कोई सुन लेगा तो कुछ कह देगा, बताइए ना, खुलकर बताइए गढ़वाली में कैसे क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं? ऐसे बोलते हैं जैसे कि मतलब ठीक छाओ, तबीयत ठीक छ, ठीक हो, तबीयत ठीक है, तो ये फोन पे जब बात होती है तो गढ़वाली में बात करते हैं, हिंदी में बात? हाँ, हम गढ़वाली में बोलते हैं। मम्मी तो गढ़वाली में ही बात? हाँ, सब गढ़वाली में बोलते हैं। अच्छा, और वहाँ से उनके जवाब कैसे आते हैं, हिंदी में या गढ़वाली में? नहीं, वो भी गढ़वाली बोलते हैं। तो बड़ी दीदी ने कभी छोटे भाई की पिटाई की गलती से? नहीं, हमारी लड़ाई नहीं होती थी। अरे ये तो सच्ची बात नहीं है, तो कभी दुनिया दुनिया में ऐसी कोई बहन और भाई नहीं जिनकी लड़ाई ना हो, ये तो मैं मान ही नहीं सकती। हम 7 भाई बहन थे, और 8 भाई ताऊ जी के, 8 लड़के ताऊ जी के थे, और एक लड़का एक लड़की दूसरे ताऊ जी के थे, इतने भाई बहन थे, पर मतलब गाँव में किसी को ये पता नहीं लगता था कि हम कितने भाई बहन है, मतलब न तो शोर होता था घर में, और पढ़ाई भी सब एक कमरे में करते थे। पर ये कैसे हो सकता है कि भाई बहन की आपस में लड़ाई ना? यही तो था, थोड़ा तो होगा कि कभी आपने छोटा सा कान खींच दिया या उसने बाल खींच दिए, ये तो चलता ही है कि परिवार में कि मतलब तू ये ऐसा क्यों कर रहा है, पर मान जाते थे, मतलब भाइयों में ऐसा था कि अगर बड़े ने डांट दिया तो सब मानते थे। तो पहले तो लाइट भी कहाँ थी, लालटेन वगैरह ये लैंप रहते थे, उसी में पढ़ाई करते थे सब, तो एक जगह में बीच में रख दिया, बाकी सब गोल घेरे में बैठ के सब पढ़ाई करते थे। अगर कोई सो जाता था, सोते सोते पढ़ता था, उसको जगाते थे कि अरे अभी रोटी खानी है, अभी मत सो, बस फिर मम्मी सबको मतलब नीचे ले जाती थी कमरे में, रसोई में, वहाँ सबको खाना खिलाती थी, सब बैठ के खाना खाते थे। पर ऐसे नहीं होती थी, मतलब हम देखते हैं ना कई जगह कि भाई बहनों में बहुत लड़ाई होती है, पर हमारी ऐसी लड़ाई नहीं हुई।